हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए छोले की रेसिपी, जो कि हम आज हलवाई स्टाइल शादी बारात वाले छोले बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कलर भी इनका काफ़ी अच्छा आता है, तो आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया, कितना थिक मैंने एकदम बनाया है छोले को। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इधर लिया है मैंने छोला, तो इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और 2 से 3 सीटी मैंने कुकर में लगा के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये मैश हो रहा है। तो हम कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको बॉईल करना पड़ता है। तो इधर मैंने कढ़ाई ली, गैस पर रखी और उसमें डाल देते हैं हम सरसों का तेल। तो सब्जियों में ज़्यादातर हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं, तो आप रिफाइंड में बना सकते हैं। और तेल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने जीरा। और जीरा डालने के बाद इसमें लेते हैं करी लीव, तो ये मीठा नीम भी कहते हैं, करी पत्ता भी कहते हैं, तो इसको लेके हम डाल देते हैं। तो इसमें थोड़ा तेल में भून देंगे इसको। तो देखिए अच्छे से ये भी भून गया है। इधर मैंने 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का लेके पेस्ट बना लिया था, तो उसको डाल के हम भून लेते हैं। तो इधर थोड़ा प्याज को अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसमें तेल आ जाए। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून गया। अब डालते हैं ड्राई मसाले। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर। तो इसमें हल्दी थोड़ी सी कम यूज करना है हमको। और उसके बाद डाल देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो आज हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से मसाला ये भूनेंगे। तो इधर मसाला देखिए हमारा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। और इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 1/2 चम्मच डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, जो कि कश्मीरी पाउडर लिया है मैंने ये कलर के लिए। तो इसको भी डाल के अच्छे से मिला देते हैं। तो छोले में थोड़ा सा हमको कलर बनाने हैं, तो कलर लाना है, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्ची यूज की है। तो चलिए, अब 2 टमाटर की मैंने ली थी प्यूरी, 2 टमाटर मैंने अच्छे से पीस के ले लिया था। तो आप देख सकते हो प्यूरी अच्छी काफ़ी कलरफुल है। तो इसको भी अच्छे से डाल के हम मिक्स कर देते हैं और इसको भी पका लेते हैं। तो जब तक तेल नहीं छोड़ देते तब तक इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम कवर करके पकाएंगे फ्रेंड, तो अच्छे से ये पक के जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको हम कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, तो उतने में अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, इधर 3 मिनट हो चुके थे, तो चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से, टमाटर और मसाला सभी हमारा अच्छे से भुन गया है, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो काफ़ी अच्छा कलर आया, मसाला भी हमारा काफ़ी अच्छा जानदार बन के तैयार हुआ। अब इसमें डाल देते हैं हम छोले। तो फ्रेंड, ये छोटा वाला देसी वाला छोला आता है, वही मैंने लिया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर आया है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डाल देते हैं हम 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ी सी डाल देते हैं कसूरी मेथी। तो आज हम छोले मसाले का यूज नहीं करेंगे इसमें। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद ये भी अच्छे से भुन गया है हमारा। और अब डाल देते हैं पानी। तो जो मैंने छोला उबाला था वही पानी मैंने लिया है, जो पानी था तो उसी से हमारा भरपूर छोला पानी भरपूर हो जाएगा, छोले में अलग से नहीं डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अच्छे से पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, बहुत ज़रा सा। और अब इसमें डाल देते हैं हम नमक, तो छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया था। 1 चम्मच मैंने छोला जब बॉईल किया था तब डाला था, तो 2 चम्मच लगभग, छोटी 2 चम्मच, मतलब बड़ी कहें तो 1 चम्मच हो जाता है, बाकी छोटी चम्मच, 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। और थोड़ा सा पानी और डाल दिया, जो बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब इसको हम कवर करके पका लेते हैं 5 से 6 मिनट तक। तो 5-6 मिनट में छोला हमारा काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो देखिए चेक करेंगे छोले को, तो ये छोला काफ़ी अच्छे से पक रहा है, अभी परफेक्ट नहीं पका है, तो अभी इसको हमको और पकाना है। तो ये छोला काफ़ी मतलब अलग अलग लग रहा है, मिक्स नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा लेते हैं पोटैटो मैशर, तो उसे हल्का सा मतलब कुछ दाने छोले के हम तोड़ देंगे, तो ये अच्छे से फिर मिक्स हो जाता है एक जैसा सभी। तो बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ही दाने हमको तोड़ने हैं इसके। तो जब ये टूट जाता है तो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएगा, तो बहुत अच्छा देखने में भी लगता है
और ये अलग अलग नहीं लगता। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो अब थोड़ा सा हम और पकाएंगे इसको, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे सर्व करके। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद फिर से ये देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से थिक होने लगा है छोला। और जब ठंडा हो जाता है ना फ्रेंड तो और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये छोला हमारा बनके लगभग तैयार हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा हरे धनिया से हम इसको गार्निश करेंगे। तो इधर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और हरा धनिया डालने के बाद हम 1 चम्मच डालेंगे देसी घी। तो देसी घी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और अच्छा भी बहुत लगता है। तो फ्रेंड जो भी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमको कि हमारा छोला कैसा बना। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आप इसको छोले और नान पूड़ी जिससे भी आप पसंद करते हैं भटूरे से खाएंगे तो और ही अच्छा लगेगा। तो बहुत टेस्टी बना भी है ये, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कितना गर्मा गर्म छोला हमारा तैयार है। तो बहुत ही यम्मी छोला बनके तैयार हुआ है फ्रेंड। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बनाएं और खाएं, ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा छोला बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।